कमरा अच्छा है बुड्ढे का। हाँ, लेकिन आधा तेरा आधा मेरा है। अबे ऐसे क्यों देख रहा है? अबे तू आधी आधी क्या बातें करता है? कभी तू यहाँ सो, कभी मैं वहां सो, कभी एक दूसरे के ऊपर सोएंगे। बाई बाई। मुझसे शादी करोगी का सीक्वल आने वाला है। साजिद नाडियाडवाला को अक्षय और सलमान की किन आदतों की वजह से इस फिल्म के दौरान बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्या था इस फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और इस फिल्म से जुड़ी वो तमाम बातें जो आप नहीं जानते होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रैड स्टूडियोज, मैं हूँ सोनिका जयाल। दोस्तों, मुझसे शादी करोगी की बात करेंगे, जिसके सीक्वल की अनाउंसमेंट अब जल्द ही होने वाली है। और इस फिल्म में, ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी, रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म थी। और फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, सलमान खान, अमरीश पुरी, राजपाल यादव, बिंदु, कादर खान, मतलब बड़े से बड़े एक्टर्स इस फिल्म में नज़र आए थे। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने और साजिद नाडियाडवाला ने प्रोड्यूस किया था। गानों की बात करें तो कुल मिलाकर 8 सॉन्ग्स थे और सभी सुपर हिट थे। लेकिन सुपर हिट गानों की बात करूं तो लाल दुपट्टा, जीने के हैं 4 दिन, मुझसे शादी करोगी, आजा सोनिए, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। और 20 लाख ऑडियो कैसेट्स उस वक्त बिकी थी, बेस्ट सेलिंग थी। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो बजट था 19 करोड़, इंडिया में कमाए 29 करोड़, और 55 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, यानी कि हिट फिल्म साबित हुई थी। 550 स्क्रीन्स पर रिलीज़ की गई थी और उस वक्त ही, यानी साल 2004 की, चौथे नंबर पर बॉक्स ऑफिस की रेस में थी। उस वक्त पहले नंबर पर थी बादशाह की वीर और जारा, दूसरे नंबर पर थी मैं हूं ना, तीसरे पर धूम थी, चौथे पर यही थी और पांचवे पर थी खाकी। 6.7 की इस फिल्म को IMDb रेटिंग भी मिली थी। तो चलिए अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, डेविड धवन ने इस फिल्म का जो टाइटल है मुझसे शादी करोगी, उसे पहले ही अपने नाम पर रजिस्टर करा दिया था। और उनकी एक फिल्म आई थी इससे पहले, दुल्हन हम ले जाएंगे, जिसमें सलमान खान और करिश्मा कपूर नज़र आए थे। तो पहले इस फिल्म का नाम वो मुझसे शादी करोगी रखने वाले थे, लेकिन उन्होंने फिर ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा थोड़ा डिफरेंट किया जाए, यशराज टाइप्स की फिल्में होती हैं, उनका टाइटल थोड़ा सा मैच किया जाए, और शाहरुख खान की DDLJ थी, उसकी तर्ज पर फिर ये नाम रखा गया। दोस्तों, इस फिल्म के ज़रिए पहली बार अक्षय कुमार और सलमान खान एक साथ आए थे, और साथ ही सलमान और प्रियंका चोपड़ा की ये पहली फिल्म थी। सल्लू और अक्की पहली चॉइस थी इस फिल्म के लिए डेविड की, लेकिन जो प्रियंका चोपड़ा का किरदार था, पहले सेलेना जेटली को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस किरदार को करने से मना कर दिया। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा को ही ऑफर हुआ था, और उनकी पूरी जर्नी, पूरे करियर की एक हिट फिल्म ये मानी जाती है। चलिए अब स्टोरी के प्लॉट की बात कर लेते हैं। ये पूरा गोवा बेस्ड स्टोरी प्लॉट बनाया गया था, लेकिन आपकी आंखों में धूल झोंका गया। जी हाँ, गोवा के बहुत कम सीन्स दिखाए गए थे, और मॉरिशस और फिल्म सिटी को इस तरह से तैयार किया गया था ताकि ये पूरा का पूरा गोवा लगे। वहाँ की जो गलियाँ थी, घर थी, बहुत ही कलरफुल बनाई थी ताकि अट्रैक्टिव लगे। आप गौर भी कर सकते हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा का घर दिखाया गया था, जहाँ पर कादर खान और जहाँ सलमान रहते थे, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, वो पूरी जगह लग रही थी, तो उसे डिजाइन किया गया था इस तरीके से। इसके अलावा एक गाना था करदू कमाल, उसे दुबई में शूट किया गया था, और स्टेडियम जो क्लाइमेक्स का शूट था, स्टेडियम में दिखाया गया था, वो गोवा स्टेडियम का शूट था। और सलमान खान और अक्षय कुमार का एक एक्शन सीन्स इसमें दिखाया गया था ज़बरदस्त, जिसमें सलमान खान को नशा हो जाता है और उन्हें अक्षय कुमार एक नहीं बल्कि 6 से 7 दिखने लग जाते हैं। तो इस सीन को शूट किया गया था मोशन कंट्रोल कैमरा से, और ये कैमरा पहली बार इस्तेमाल किया गया था इस फिल्म में। इस कैमरा का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब ऐसे सीन शूट करने होते हैं। और इसके बाद गजनी में भी इस कैमरा का इस्तेमाल किया गया था। आपको याद हो, बहका मैं बहका गाने में आमिर खान के 6 से 7 रूप दिखाए गए थे। और दोस्तों, इस फिल्म के प्रमोशन के लिए डेविड धवन और साजिद नाडियाडवाला ने एक अलग ही प्रमोशन टेक्निक का यूज़ किया था। उस वक्त उन्होंने इंडिया और फॉरेन के बहुत सारे सिनेमा घरों को शादी के मंडप की तरह सजा दिया, ताकि लोग जब फिल्म देखने आए तो उन्हें लगे कि वो किसी की शादी अटेंड करने आए हैं। और इसके अलावा फिल्म की प्रमोशन के लिए एक और चीज़ रखी गई थी, कंटेस्ट रखा गया था, और उस कॉन्टेस्ट में जीतने वालों को फॉरेन हनीमून ट्रिप्स मिलती थी, और साथ ही किसी डिज़ाइनर, बड़े बड़े डिज़ाइनर के डिज़ाइन किए गए वेडिंग कॉस्ट्यूम्स मिलते थे।
दोस्तों इस फिल्म में जो साजिद नाडियाडवाला है फिल्म की प्रोड्यूसर, उन्हें एक दिक्कत का सामना करना पड़ा था शूटिंग के दौरान, क्योंकि सलमान खान की आदत थी कि वो रात रात भर पार्टी करते थे, तो साजिद को सलमान खान के साथ पार्टी जाना पड़ता था। और आपको याद हो अक्षय कुमार की वो आदत जो सुबह उठने की, और अपने को स्टार को भी वो सुबह उठा देते हैं और मेकर्स को भी, तो साजिद नाडियाडवाला को अक्षय कुमार सुबह जल्दी उठा देते थे, यानी साजिद को रात को लेट सोना होता था और सुबह जल्दी उठना होता था। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि इस दिक्कत का उन्हें सामना करना पड़ा था। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की थोड़ी बहुत गलतियों के बारे में जो इस फिल्म में देखी गई थी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमेडी फिल्म थी तो ये गलतियाँ नज़रअंदाज की जा सकती हैं। आपको एक सीन याद हो जिसमें प्रियंका चोपड़ा को लेने आते हैं अक्षय कुमार, और एक येलो कलर की कार होती है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या गड़बड़ थी। जो येलो कलर की कार थी जब पहली बार दिखाई जाती है तो उसका नंबर अलग होता है, दूसरी बार दिखाई जाती है नंबर चेंज हो जाता है, और तीसरी बार तो अलग ही नंबर दिखता है। यानी तीन बार इस येलो कार का नंबर चेंज हो जाता है, कैसे भैया पता नहीं। और एक और सीन है जिसमें कादर खान बियर की बोतल लिए बियर पीते होते हैं, लेकिन अगले ही सीन में उनके हाथ में बियर बोतल नहीं होती है, बियर ग्लास होता है। इसके अलावा ट्रेन का एक सीन आपको याद हो जिसमें सलमान खान होते हैं, सतीश होते हैं, और उनके पास सलमान के पास बहुत सारा लगेज होता है, 4 से 5 बैग होते हैं, लेकिन जब वो उतरते हैं तो ये लगेज गायब हो जाता है, पता नहीं कैसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राजपाल यादव की हम बात करते हैं और बिंदु। एक सीन में ये एक ईगल गैंग के रूप में दिखाए जाते हैं, ईगल गैंग इनका नाम रखा जाता है फिल्म में, और ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था जोश लुक से, जो कि शाहरुख खान की फिल्म जोश थी, और शाहरुख का लुक इसमें कॉपी किया गया था। साथ ही इस फिल्म को कहीं ना कहीं एक फिल्म थी एंगर मैनेजमेंट, उससे भी थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड ये फिल्म थी। और आपको याद हो सलमान खान को इस फिल्म में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और कहीं ना कहीं असल ज़िंदगी में भी सलमान खान ऐसे हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है, उन्हें गुस्सा आ जाता है, भले ही बाद में कहा जाता है उनका बहुत बड़ा दिल भी है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो ना आओ देखते हैं ना ताओ, और फिर आपको पता ही है फिर वो क्या करते हैं। इसके अलावा सलमान खान ने फिल्म में कई जगह विग पहना हुआ था, इससे पहले वो तेरे नाम में भी विग पहन चुके हैं, और आपको याद हो तेरे नाम में जब उनका वो हेयर स्टाइल था तो लोगों ने इतना कॉपी किया था यंगस्टर ने, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि सल्लू भाईजान ने विग पहना हुआ है, और उन बेचारों ने बीच की मांग वाला हेयर स्टाइल कर दिया। सलमान तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन जो यंगस्टर इसे कॉपी करते थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। चलिए मजाक की बात है, आगे बढ़ते हैं। अमृता राव पैच, चलिए आगे आपको बताती हूँ कि इस फिल्म में बहुत सारे एक्टर्स ने गेस्ट अपीयरेंस भी दिया था, जैसे कि सलमान खान की जो गर्लफ्रेंड बनी थी पहली, वो अमृता उसमें नज़र आई थी, अमृता अरोड़ा। उसके अलावा साजिद खान, शेफाली जरीवाला जो काटा गर्ल थी वो भी नज़र आई थी। क्लाइमेक्स में आपने कपिल देव, नवजोत सिंह सिद्धू, इरफान पठान, इन सबको देखा होगा, और बहुत सारे क्रिकेटर्स क्लाइमेक्स सीन में नज़र आए थे, और ये पहली फिल्म होगी जिसमें इतने सारे क्रिकेटर्स ने गेस्ट अपीयरेंस किया था। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म के लिए 2 फिल्मफेयर अवार्ड के लिए अक्षय कुमार को नॉमिनेट किया गया था, एक कॉमिक के लिए, एक सपोर्टिंग रोल के लिए, लेकिन उस वक्त युवा के लिए अभिषेक बच्चन को ये सपोर्टिंग रोल का किरदार जो ऑफर था पैच लेकिन उस वक्त युवा के लिए अभिषेक बच्चन को ये सपोर्टिंग आईफा वाला अवार्ड पैच लेकिन अभिषेक बच्चन को ये अवार्ड मिल गया था जो सपोर्टिंग रोल वाला था, और कॉमिक वाला हम तुम के लिए सैफ अली खान को मिल गया था। तो ये थे फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि इसका सीक्वल जल्दी आने वाला है, मेकर्स इस पर विचार कर रहे हैं, अब देखना होगा कब ये सीक्वल आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। और ये भी इशारा है कि इसमें सलमान और अक्षय कुमार ही नज़र आएंगे। तो आपको इसके सीक्वल का कितना इंतज़ार है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कैसे लगे, किस फिल्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे फिल्म के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को।